आपने साहब ये जो तरबूज ले रखा है ये जो किस कंपनी का है, कौन सा नाम है? कंपनी का है झेलम का। झेलम 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 इसका नाम है। झेलम तो इसमें क्या खासियत नजर आ रही है और कंपनी के यहाँ लगे हुए हैं उसमें? इसमें ये अच्छा है, अच्छा फूलता है, अच्छा वजनदार है और तेज भी बिकता है। और इसका कलर? इसका कलर हरा रहता है। और साइज में जैसे और कंपनी के इसमें साइज में क्या अंतर है? और कंपनी का थोड़ा गुलाई में रहे और ये लंबाई में रहे। ये लंबाई में तो बाजार में रेट अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता तो जैसे आपके यहाँ पे और कंपनी उससे अच्छा इस बार बिका है। अच्छा है, अगले साल सभी लोग यहाँ से लगाएंगे। सभी लोग इसे लगाएंगे। तो धन्यवाद आपके लिए। आप थोड़ा अपने दीपचंद जी भी बताएंगे इस तरबूज के बारे में। तो आप जो है इस तरबूज के बारे में बताएंगे? ये बहुत अच्छे तरबूज है और हमने रामकेत जी को जब बीज दिया था जब कलश सीड का झेलम के नाम से, तो रामकेत जी बहुत घबरा चुके। एक बार जब बीज को खेत में लाके बीज को खेत में ले आए और खेत में से लाके और हमको दुकान पे वापिस भी आए कि दीपचंद जी ये बीज नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हमने इनका हौसला बुलंद करके हमने उस बीज को जोर से जबरदस्ती हमने इस किसान को दिया और इन्होंने कलश सीड का झेलम का बीज लगाया और इनने आज इसको सबको महसूस हो गया कि कितना दाना कैसा था। इनको बताओ एक पैकेट में दाने कितने थे इसमें? एक पैकेट में दाने 1000 दाने निकलते वाला है। और जो आज तक जो कंपनी जो मार्केट में चल रही है सबसे बारीक दाना आता है, सबसे बारीक दाना। ये नहीं है जो आज कोई अदर कंपनी चल रही, सबसे बारीक सबसे हटके बीज आता है इसका, सबसे बारीक दाना। और हमने इनको जबरदस्ती दिया, आज उन्होंने लगाया। अब हमारे किसान रामकेश जी गुजर ग्राम मच्छीपुरा में बहुत खुश है। तरबूज को देखकर इनको अच्छा भाव मिला और अच्छी पैदावार हुई है। हम कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ओके।